मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझसे? एक्चुअली सबसे। वाह सब आ गए। शुता है वारु? मुझे सानवी दी के बारे में बात करनी है, पर सबके सामने। क्या बात करनी है गौरानी? एक काम तो आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे गौरानी कहना बंद नहीं किया, पर एक काम ना आपने बहुत गलत किया। क्या? पहले बताइए सानवी दी आपकी कितनी अच्छी दोस्त है? सबसे अच्छी दोस्त है। अच्छा, तो इस अच्छी सी दोस्त के लिए क्या किया आपने? अरे खुद तो आ गए अहमदाबाद लड़की ढूंढने, पर कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपकी इतनी अच्छी दोस्त इतनी अकेली है, उसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए। अशुभ बोले छे गौरानी, ये बात अभी करने की जरूरत नहीं है। ओह अब समझी, वो किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है इसीलिए। क्यों तमाशा बनाने की कोशिश कर रही है? तुझे इसकी निजी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। क्यों? आपको हक है, मुझे क्यों नहीं हक है? इस घर में सानवी दी का हर चीज पर हक है, तो इस घर के रहने वाले भी सानवी दी के बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। सानवी दी बोलिए, आपको कैसा रिश्ता करना है? हाँ मैं ढूंढूंगी आपके लिए, मैं लड़का लेके आऊंगी। मैं उसे माफ कर दूं? अरे तू उसे माफ कैसे कर सकती है? कितनी बदतमीजी से उसने तुझसे बात की, और क्या बात की सबके सामने, क्या तारीख आई है? अरे मुझे तो लगता है यारू है ही नहीं, बदल गई है। सही कहा तूने राजू, अरु बदल गई है। नए एहसास जब महसूस होते हैं ना तो बदलाव तो आता ही है। तुझे भी उसके जैसे बिना सर पैर की बात करने का कीड़ा काट गया। प्यार के कीड़े ने काटा है, मुझे नहीं उसे। तू नहीं समझ सकता क्या, अरु तुझसे प्यार करने लगी है। तैयार थे गए? पर मेरा टिकट ही नहीं मिल रहा है। आपके पास है क्या मेरा टिकट? पता नहीं कहाँ रख दी। रखने तुझे दी थी ना? हाँ मुझे दिया था अपने टिकट रखने, मैंने संभाल के भी रखा था, पर देखिए ना मिल ही नहीं रहा है। ढूंढ ले, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। ट्रेन का वक्त हो रहा है, हाँ इधर देखा। गौरानी शू थयू? आप मुझसे अभी नाराज हैं? ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी कर चल। ट्रेन तो छूट गई ना मुखी जी, टिकट तो नहीं मिला। लगता है अहमदाबाद जाना नसीब में ही नहीं है। हाँ ट्रेन के छूटने का वक्त तो हो गया। कोई बात नहीं है, किसी और दिन का टिकट करवा लेंगे। हाँ
अब रिजर्वेशन के बिना तो जाऊंगी नहीं ना मैं अहमदाबाद। इतने दिन यहाँ ठाट से रुकी थी, थोड़ी अनरिजर्व कंपार्टमेंट में धक्के खा के जाऊंगी। आप देख लीजिए आपको कब का टिकट मिलता है कंफर्म वाला, मैं तब चली जाऊंगी। हाँ थोड़े दिन और रह लूंगी, कोई कोई बात नहीं है। नहीं चल। पर आपने तो कहा ना ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन से नहीं, मैं तुझे जीप से छोड़ दूंगा। तो आज आपको मेरी बकबक नहीं सुननी है, बोलूं या चुप रहूं? अगर मैं चुप रहने बोलूंगा तो चुप रहेगी, मेरी सुनिए कभी। मैं आज की बात बोल रही हूं, बोलूं या चुप रहूं? तेरी मर्जी। अरु तुझसे प्यार करने लगी है। देखना भी नहीं चाहते मेरी तरफ, जवाब देना तो दूर की बात। बस चाहते चली जाऊं यहाँ से, बहुत रह ली डफोड़ा बोली गांव में, बहुत दखल दे दिया सबकी जिंदगी में, बहुत खाली मुफ्त की रोटी, बस जाए सर से। क्या चाहती है तू? मैं शांति चाहती हूँ, शांति। सरदर्द हो रहा है आपकी बड़बड़ से। मेरी बड़बड़ से? हाँ और नहीं तो क्या, सरदर्द हो रहा है, चाय पीनी है मुझे, चाय से सरदर्द जाता है। मुखीजी मुझे चाय पीने से कोई चाय नहीं मिलेगी, जल्द से जल्द अहमदाबाद पहुंच गए। अब इतनी जल्दी दूर करना चाहते हैं मुझे, चाय भी नहीं पीने दे सकते, न बोलने दे रहे न रुकने दे रहे न चाय पीने दे रहे, चाहते क्या है आप? मैं चाहता हूं कि तू ये हिलना बंद करे और चैन से मुझे जीप चलाने दे। एक समय था जब अम्बोली गाँव में एक पल के लिए नहीं रुकना चाहते थे, अहमदाबाद में अपने घर जाना चाहते थे। अब अहमदाबाद से 3 घंटे दूर है और तुझे चाय पीनी, तू समझ ले तू क्या चाहती? मैं तो अपने सपने पूरे करना चाहती थी, फिर आज अहमदाबाद जाते हुए मैं खुश क्यों नहीं हूं? ये क्या एहसास है?